नए साल के पहले दिन भी जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रहे। बुधवार को जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नौशेरा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान सेना के दो जवान शहीद हो गए। फिलहाल आतंकियों के खिलाफ सेना का अभियान जारी है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है और सर्च ऑपरेशन जारी है। अभी तक इस मुठभेड़ में किसी आतंकी के मारे जाने की कोई खबर नहीं है। सूत्रों के मुताबिक मुठभेड़ स्थल पर 3 आतंकियों की मौजूदगी है। कुछ दिनों पहले LOC के जरिए आतंकवादियों ने घुसपैठ की होगी। मंगलवार को कुछ स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों को देखा था। स्थानीय लोगों की सूचना पर सुरक्षा बलों ने बुधवार को तलाशी अभियान शुरू किया, तो वहीं इसके उलट सरकार ने कश्मीर के लोगों को नए साल का तोहफा देते हुए मोबाइल SMS सेवा को बहाल कर दिया है। इसके साथ सरकारी अस्पतालों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा भी शुरू हो गई है। यह सेवाएं 31 दिसंबर की मध्य रात्रि से प्रभावी हुई। जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन होने पर गत 5 अगस्त से पूरे कश्मीर में SMS सेवा को बंद रखा गया था। सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद प्रदेश में हालात की समीक्षा करने के बाद चरणबद्ध तरीके से इंटरनेट और मोबाइल सेवा को बहाल किया जा रहा है। हालात सामान्य हुए हैं। कश्मीर में गत 10 दिसंबर को मशीन आधारित SMS सर्विस को बहाल किया गया था, जिसमें विद्यार्थियों, स्कॉलरों, ट्रेडर्स आदि वर्ग को यह सुविधा मुहैया करवाई गई थी। निखिल कुमार के साथ दीपक कुमार की रिपोर्ट, punjabkesari.com। यदि आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।